हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पालक कढ़ी बनाएंगे। पालक कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले पालक लेंगे, जिसे हमने पहले ही अच्छे से धो लिया था। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए, इसको इस तरीके से काट लेंगे। इसी तरीके से बाकी पालक को भी काट लेंगे। देखिए, सारी पालक कट चुकी है। अब हम कढ़ी की तैयारी करेंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें 2/3 कप दही, 1/2 कप बेसन डालकर रई की मदद से मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। ध्यान रहे, बेसन के घोल में एक भी ढेले नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए हम रई की मदद से इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे गरम कर लेंगे और उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इन दोनों को थोड़ा चला लेंगे। अब हम बेसन के घोल को इसमें डाल देंगे। अब हम बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर बचे हुए घोल को भी कढ़ाई में डाल देंगे। और इसे रई से विस्क कर लेंगे। देखिए, थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हम इसे लगातार चलाएंगे ताकि इसमें कोई ढेले ना पड़े। देखिए, एकदम पतला हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा उबलने देंगे। ये हल्का उबल चुका है, हम इसको ज्यादा नहीं उबालेंगे, हल्का ही उबालेंगे। अब इसमें कटी हुई पालक डाल देंगे। और अच्छे से सभी को मिला लेंगे।
अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर आपको कढ़ी थोड़ी गाढ़ी लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पालक डालने के बाद इसे थोड़ा सा उबलने देंगे। देखिए पालक थोड़ी गलने लगी है, इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। पालक कढ़ी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे रोटी या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।